नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं कर्मभूमि टीवी। हरिद्वार में स्कूल के लिए निकली नाबालिग छात्रा के घर पर नहीं पहुंचने पर परिजनों की ओर से पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। परिजनों का आरोप है कि ज्वालापुर निवासी एक युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया है। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्रा व आरोपी की तलाश तेज कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से बिहार के छपरा निवासी व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसकी नाबालिग बेटी ज्वालापुर के एक इंटर कॉलेज में पढ़ती है। बीते 7 जुलाई को रोज की तरह वह पढ़ने के लिए स्कूल गई थी। इसके बाद से वह वापस घर नहीं लौटी। कई जगह तलाशने के बाद परिजनों को पता चला कि उसे अक्षर निवासी लेबर कॉलोनी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। परिजनों द्वारा तलाशने के बाद परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई। आज देश भर में बकरा ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ईद उज जुहा के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई और खासकर मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद। ईद उज जुहा का त्यौहार बलिदान और मानव सेवा का प्रतीक है। तो वहीं ईद के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि ईद मुबारक, ईद उल अदा की बधाई। यह त्यौहार हमें मानव जाति की भलाई के लिए सामूहिक कल्याण और समृद्धि की भावना को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो देखते रहिए कर्मभूमि टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।